हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर 2 साइंस का। क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, हम लोगों ने विलयन के बारे में पढ़ लिया था, विलयन के गुणों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे आता है हमारा टॉपिक विलयन की सांद्रता। सांद्रता के कंसंट्रेशन यानी कि उसका गाढ़ापन कितना है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम लोग आज अभी पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन देखिए क्या होता है, विलयन की किसी देखिए विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है, या विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए क्या विलयन की सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखिए क्या होता है, विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की घुले हुए पदार्थ नहीं होगा, यहाँ पे विलेय पदार्थ होगा। देखिए विलेय यानी कि जो घोला जाता है, विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की हमारी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन कहलाती है। सांद्रता क्या होती है कि उसमें विलयन में हमारा कितनी मात्रा में विलेय पदार्थ घोला गया है, उसका गाढ़ापन कितना है। ठीक है, ये तो हमारी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता होती है। इसके बाद में हमारे आती हैं एक, तो जैसे ये मिश्र धातुओं की, मिश्र धातुओं क्या होती है, बहुत आता है पेपरों में ये। ठीक है, एलॉयज जिसको बोलते हैं। ठीक है, मिश्र धातुएँ क्या होती हैं, पेपरों में भी कई बार पूछा जाता है। देखिए अब मिश्र धातु क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर यानी कि पिघलाकर, ठीक है, चाहे गलाकर बोल दो चाहे पिघलाकर बोल दो, दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर एक मिश्रण तैयार होता है, जो मिश्रण हमारा बनता है, दो या दो से अधिक धातुओं को हमने गलाकर जो बनाया, जो मिश्रण बना हमारा, उसे हम दोबारा फिर से ठंडा करते हैं। ठीक है, उसके लिए ठंडा करते हैं तो वह एक हमें सॉलिड यानी कि ठोस हमें प्राप्त होता है। जो वो हमें ठोस प्राप्त होता है वही हमारी मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हमारा है जैसे पीतल, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये पीतल। पीतल जो होता है हमारा जस्ता और तांबे का बना हुआ होता है, किससे मिलता है, जस्ता प्लस तांबा। ठीक है, जस्ता होता है हमारा 30% एंड तांबा होता है हमारा 70%। ठीक है, तो हमारा जो पीतल होती है ये मिश्र धातु है एक, तो जस्ता और तांबे से मिलकर हमारा पीतल बना। ठीक है, तो जिसमें इसमें जस्ता 30% होता है और तांबा उसमें 70% मिला हुआ होता है। तो ये तो हमारा एक मिश्र धातु का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब देखिए और क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ मिश्र धातु, ऐसे पदार्थ यानी कि जो मिश्र धातुओं के लिए है, ऐसे पदार्थ जो धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें हम लोग भौतिक क्रिया से उनके अवयवों को अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारा पीतल बन गया, ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि इसको कहने का मतलब क्या है। जो हम कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी भौतिक क्रिया कर लें हम, तो हम अगर चाहें कि पीतल में से हम तांबे को अलग कर दें और जस्ते को अलग कर दें, हम किसी भी भौतिक क्रिया द्वारा इन अवयवों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिश्रण अपने, अब जैसे ये देखिए, मिश्रण अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठित रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा मिश्रण बना है यानी कि जो पीतल बना है, वो दोनों घटक, इनके घटक कौन कौन से हैं, जस्ता और तांबा। पूछा भी जाता है कि पीतल किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, जस्ता और तांबे से। ठीक है, तो जो पीतल हमारा जो मिश्रण बना है, वो ये दोनों घटकों का ये मिश्रण होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीतल बनने के बाद उसमें तांबे का गुड़ चला जाएगा और जस्ते का गुड़ निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तांबा जो बन गया है तो उसमें क्या क्या है, तांबा में, वो पीतल जो बना है हमारा, तो पीतल में अगर हमारा जस्ता और तांबा है, तो ऐसा भी नहीं पीतल बनने के बाद उसका तांबे का गुड़ निकल जाए और जस्ते का गुड़ निकल जाए, नहीं। उसमें तांबे के, जो हमारा पीतल बना है उसके अंदर तांबे का भी गुड़ विद्यमान रहेगा और जस्ते का भी गुड़ हमारा विद्यमान रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई मिश्र धातुएं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है मिश्र धातु के बाद निलंबन। ठीक है, निलंबन,
निलंबन क्या बोलते हैं, सस्टेंशन, ठीक है, निलंबन। जैसे विलयन हमने पढ़ लिया, ऐसे ही होता है निलंबन। जो निलंबन होता है वो विलयन का जस्ट उल्टा होता है। निलंबन जो होता है, जैसे विलयन था वो एक समांगी मिश्रण था, और जो हमारा निलंबन होता है वह एक विषमांगी मिश्रण होता है। देखिए जो निलंबन है हमारा, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। हमने विलयन को पढ़ा था, अब निलंबन जो पढ़ रहे हैं, विलयन का जस्ट ये उल्टा है, ठीक है। ये एक विलयन हमारा समांगी मिश्रण था और निलंबन हमारा विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। विलयन में हमारा जो विलेय घुलते थे, जैसे पानी में चीनी घोली तो वो घुल जाती थी, ठीक है, इसमें हमारे जो विलेय पदार्थ होते हैं वो घुलते नहीं हैं, ठीक है, विषमांगी मिश्रण है। इसमें जो होते हैं विलेय पदार्थ घुलते नहीं हैं, और हमारे विलयन में घुल जाते थे, ठीक है, ठीक है, या क्या समझ में, बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। जैसे कि हमारा इसका सबसे पहले उदाहरण मान लो, हम लोग निलंबन का हम उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे कि मिट्टी और पानी का घोल, मिट्टी और पानी का घोल, ठीक है, ये हम देखें, जब हम पानी में मिट्टी घोलेंगे तो क्या डिसॉल्व हो जाएगी, उसमें घुल जाएगी पूरी तरह से, नहीं सॉल्व हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि मिट्टी के कण जो हमारे वो अलग हो जाएंगे उसमें, और हमारा पानी के कण उसमें अलग अलग, हम उनको साफ साफ देख सकते हैं, जबकि विलयन में हम साफ साफ नहीं देख सकते थे, हम नग्न आंखों से अपनी नहीं देख सकते थे, और निलंबन में हम इसके कणों को अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा निलंबन हो गया। अब अगर जैसे मिश्रण विलयन में था कि उसे सांस छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, निलंबन में उसका जस्ट उल्टा है कि अगर हम पानी को थोड़ी देर के लिए शांत रख भी दें, यानी कि थोड़ी देर के लिए रख दें उसको ग्लास को, तो जो मिट्टी के कण हैं वो हमारे नीचे बैठ जाएंगे तली पे, ठीक है, तो हम उसको बहुत आराम से इसको देख भी सकते हैं उसके कणों को, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे विलयन में था वो हम छानन विधि से, छानन विधि क्या होती है, छानने की विधि, किसी भी चीज़ को छन्नी से छानना, ठीक है, तो वो हमारी छानन विधि हो गई, ठीक है, तो उससे हम लोग उससे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चीनी को हमने पानी में घोल दिया तो हम लोग चाय को उसको छान के अलग चीनी कर ले नहीं कर सकते थे, लेकिन निलंबन में हम ऐसा कर सकते हैं कि निलंबन में छानन विधि से विलेय के कणों को हम लोग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो निलंबन होता है हमारा, जो निलंबन होता है वह एक अस्थायी मिश्रण है, अस्थायी मिश्रण है, और जो विलयन हमारा था वो क्या था, स्थायी होता है, अस्थायी हो, ये क्या बोले, तो अस्थायी होता है, ठीक है, और जो विलयन था वो हमारा स्थायी था, ठीक है। अब इसका एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, मिट्टी और पानी का घोल, ठीक है, ये सबसे अच्छा इसका उदाहरण है निलंबन का। अगर आप लोग लर्न भी करें, याद भी करें, तो इसी एग्जांपल के साथ याद करिए, आपको बहुत ही इसमें आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये तो बहुत एग्जांपल अच्छा है, इसको आप प्रैक्टिकली घर पे करके भी दे सकते हैं, विलयन का भी और निलंबन का भी। तो हमने आज आपके लिए विलयन की सांद्रता बता दी, मिश्र धातुएं क्या होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और निलंबन क्या होता है ये भी मैंने आज आपको बता दिया। अब आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद करिए, समझिए इसे।